नेपाल के 7 दिवसीय शिव महापुराण के समापन होने के बाद भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा शुक्रवार की सुबह झालावाड़ा में महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए जिला मुख्यालय के समीपस्थ बने हेलीपैड से राजस्थान के लिए रवाना हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा हेलीकॉप्टर से झालावाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर 51,000 कलश यात्रा के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इसके साथ राधा रमन ग्राउंड में धर्मसभा में महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही भगवान शिव चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों प्रदीप मिश्रा की शिव कथा में अपार जन समूह उमड़ रहा है। पंडित श्री मिश्रा की कथा का श्रवण करने के लिए लोगों की भीड़ उनके कथा स्थल पर पहुंचती है। झालावाड़ा में भी पंडित श्री मिश्रा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। शोभा यात्रा राधा रमन से शुरू होगी। करीब 51,000 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप व भारत माता की झांकी भी शामिल होगी। शोभा यात्रा राधा रमन से होते हुए बस स्टैंड, निर्भय सिंह सर्किल, पुलिस लाइन, अग्रवाल सेवा सदन, मंगलपुरा, बड़ा बाजार, मोटर गैरेज होते हुए 12 से 1 बजे के बीच वापस राधा रमन पहुंचेगी। शोभा यात्रा का सामाजिक संगठनों व शहरवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। अल्पाहार व जलपान की व्यवस्था की गई है। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।